दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी का फ्यूचर सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग प्रोजेक्ट 75I के बारे में तो सुने ही होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं भारत का वो महत्वपूर्ण सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में एक नया अपडेट बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सुनने को आया है कि इंडियन नेवी अपना सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75I को बहुत जल्द कारगर करेगा, और सुनने को ये भी आया है कि जो इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 सबमरीन बनने वाला है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बने जाने वाला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से आकार में 50% बड़ा होगा, और इस प्रोजेक्ट का लागत करीबन 50,000 करोड़ रुपया हो सकता है। दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इस प्रोजेक्ट का क्लियर मिलने के बाद नेवी द्वारा इस प्रोजेक्ट का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विदेशी कंपनियों के साथ बांटा गया है। साथ ही साथ सुनने को यह भी आया है कि नेवी कुछ स्वदेशी कंपनियों के साथ भी इस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट के तहत भारत जो नया 6 सबमरीन बनाएगा वो विदेशी कंपनी के मदद से भारत का स्वदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत मेक इन इंडिया में बनेगा। दोस्तों वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2011 से ही दुनिया के सामने आ चुका था, पर बहुत सारा डिले के बाद 2019 में माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द अपना शुरुआती पड़ाव में पहुंच जाएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत प्रोजेक्ट 75 जैसा ही 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन बनाएगा, पर ये सबमरीन आकार के साथ साथ फायर पावर में भी प्रोजेक्ट 75 से काफी एडवांस होगा। दोस्तों भारत का जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाले स्कॉर्पियन सबमरीन है, मतलब कल्वरी क्लास का सबमरीन, उसमें हैवी वेट टॉर्पेडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल के हिसाब से फ्रांस का बनाया हुआ एक्सोटिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। पर नेवी चाहता है कि आने वाला प्रोजेक्ट 75I सबमरीन में 12 लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइल होना चाहिए, जिसका रेंज कम से कम 500 किलोमीटर होना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ हम लोगों को यह भी सुनने को आया है कि इस सबमरीन में मिसाइल के साथ साथ नेवी चाहता है कि एटलीस्ट इसमें 12 हैवी वेट टॉर्पेडो भी हो। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा एक बार इस प्रोजेक्ट का क्लियरेंस पूरा पूरी मिल जाने के बाद माना यह जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा नेवी के ऑफिसर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए तैनात किया जाएगा, जिनका काम यह होगा कि विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर यह चयन किया जाए कि कौन सा सबमरीन भारत के लिए परफेक्ट होगा। साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि एक बार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा फाइनल क्लीयरेंस मिल जाने के बाद नेवी जल्द से जल्द कौन सा सबमरीन इंडिया के लिए चुना जाएगा उसके लिए अपना ट्रायल परफॉर्म शुरू कर देगा। दोस्तों हमारे जानकारी के हिसाब से ये जो नया 6 सबमरीन होगा, इस 6 के 6 सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ साथ कुछ इंडिजिनियस हथियार भी लगाया जा सकता है, जैसे कि भारत का बनाया हुआ ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल या फिर भारत का बनाया हुआ कुछ इंटरनल कंपोनेंट। दोस्तों चाइना का इंडियन ओशन रीजन में कदम बढ़ाने के बाद से भारत चाहता है कि अपना सबमरीन फ्लीट को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिस वजह से इंडियन नेवी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ बड़े संख्या में कन्वेंशनल सबमरीन भी ऑपरेट करना चाहता है। दोस्तों कन्वेंशनल सबमरीन या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आकार में न्यूक्लियर सबमरीन से छोटा होता है, पर पानी के नीचे ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। पर अगर एक बार इस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ऐड हो जाए तब यह सबमरीन ज्यादा से ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह पाएगा। साथ ही साथ यह न्यूक्लियर सबमरीन से कम नॉइस पैदा करता है, जिस वजह से पानी के नीचे स्टेल्थी भी रहता है, मतलब दुश्मन का एंटी सबमरीन वॉरफेयर हथियार के द्वारा यह सब सबमरीन को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों चाइना जो इंडियन ओशन में आए दिन नेवल एक्सरसाइज और एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पे अपना सबमरीन भेज रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट को जल्द से जल्द मजबूत करना जरूरी है। तो आशा करते हैं कि इंडियन नेवी अपना ये प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करे और अपना सबमरीन फ्लीट को आधुनिक और बेहतर बनाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आप देख पाएंगे मेरा वीडियो सबसे पहले। जय हिंद।